आई कम टू वंदे भारत। ये एक ट्रेन है जिस ट्रेन ने दुनिया में हलचल मचा ली। आप में से कितने लोग वंदे भारत में ट्रेवल किए अभी तक? कैसा एक्सपीरियंस? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सभी खुश है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, टाइटल हिंदी में, आगे इंग्लिश में, वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन मेड इन इंडिया। आई कम टू वंदे भारत। ये एक ट्रेन है जिस ट्रेन ने दुनिया में हलचल मचा ली। आप में से कितने लोग वंदे भारत में ट्रेवल किए अभी तक? कैसा एक्सपीरियंस है आप बताओ? वंडरफुल एक्सपीरियंस। झटके लगे कहीं? बिल्कुल नहीं, वेरी स्मूथ। नॉइज लेवल कितना था पता ही नहीं चलता। एक्सेलेंट, ताली बजाओ यार इनके लिए सबसे। पीएम साहब ने 2017 में बोला कि अपने को वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है, लानी है इंडिया में। देखो पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो, वेरी वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी है। पैसेंजर एक्सपीरियंस को चेंज करना है, स्टेशंस, ट्रेन्स, सेफ्टी, ये तीन बड़ी चीज होती है, राइट? स्टेशन के बारे में बात की अपन ने, अभी हम ट्रेन की बात करेंगे, उसके बाद में सेफ्टी की बात करेंगे, करेक्ट? तो पहला हमारे ऑफिसर्स का था, टिकट कटाया, पहुंचे जर्मनी, पहुंचे जापान, पहुंचे फ्रांस, और बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस, बड़े बड़े ब्रोशर्स लेके आ गए कि चलो साहब ये ट्रेन सबसे अच्छी है, ये लेके आएंगे, ये इंपोर्ट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। गए प्रेजेंटेशन, तब मैं नहीं था, प्रेजेंटेशन करने गए, पीएम साहब ने कहा नहीं भाई नहीं चलेगा ये, आपको ट्रेन इंडिया में ही डिजाइन करनी पड़ेगी और हमारे ही लोग डिजाइन करें, हमारे ही लोग उसको मैन्युफैक्चर करें। चैलेंज, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज दुनिया में केवल 8 कंट्रीज ऐसी है आज की तारीख में जिन लोगों ने 160 kmph से ऊपर की ट्रेन्स बनाई है। ओनली 8 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आसान नहीं है, वंस यू मूव बियॉन्ड 120 किलोमीटर सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, सारे के सारे पैरामीटर्स एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। 120 तक कोई भी कर देता है डिजाइन, 120 के बाद में 180 बिकम्स बिग चैलेंज और 180 के बाद में 300 बिकम्स वेरी बिग चैलेंज। तो ये दो बड़े बड़े थ्रेशोल्ड्स हैं जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। तो लगे लोग काम करने में लगे एंड टाइम लगा, 1.5 साल, 1.5 साल इज नॉट, मतलब जनरली ऐसी चीज को डिजाइन करने में 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। 1.5 साल के अंदर अंदर पहली ट्रेन निकली, ये पहली ट्रेन चली एंड इट वॉज सुपर हिट। दूसरी ट्रेन निकली, इट वॉज अगेन सुपर हिट। देन वी हैव टू टेस्ट बिकॉज कस्टमर पैसेंजर्स का मामला है, सेफ्टी है, उसकी मेंटेनेबिलिटी है, बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की होती है, राइट? वो सब करते करते अभी जो वंदे भारत सेकंड फेज, उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हमारी वंदे भारत से कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी एवं सुविधा को मिल रहा विस्तार। ये देखना 180 kmph पे गाड़ी चल रही है और ये पानी का ग्लास देखो भाई। फेविकॉल से नहीं चिपकाया हुआ है ये, पानी का ग्लास नहीं हिला, वंदे भारत अभियान से अंकित होगा यह पन्ना इतिहास का। 18 देशों में इसके बारे में स्टोरी छप चुकी है, 18 कंट्रीज के नेशनल न्यूज़पेपर्स में आमची वंदे भारत इसके बारे में स्टोरीज छप चुकी है 18 कंट्रीज में। और मैं आपको गारंटी देता हूं, ये पीएम साहब का जो विजन था, इस विजन का रिजल्ट क्या आएगा, 3 साल के अंदर अंदर इंडिया विल बिकम अ मेजर रेलवे टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर। आज तक हम इंपोर्ट करते थे, माइंडसेट चेंज हुआ है, टोटल माइंडसेट चेंज हुआ है। आज इस टीम के इंजीनियर्स से, टेक्नीशियंस से बात करते हैं, वेल्डर्स से बात, मैं तो 3 साल पहले तक खुद वेल्डिंग करता था, तो वेल्डर्स से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं देश से कि हमको आप परमिशन दो, हम 220 kmph की ट्रेन डिजाइन करेंगे। That confidence people have got now. ये चेंज होता है माइंडसेट में बड़े काम करने की इच्छा शक्ति से। इसका सारा का सारा जो आपने कहा ना कि बिल्कुल
झटके नहीं, बिल्कुल कुछ ग्लास हिली नहीं। इसका रीजन है ये बोगी की डिजाइन। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। जो जैसे ट्रक में चेसी होता है, कोच ट्रेन में कोच होता है, ऊपर नीचे बोगी होती है। इस बोगी के अंदर व्हील्स है, गियर्स है, मोटर इसके ऊपर बैठती है, और ये है एयर स्प्रिंग। ये वाले आप देख रहे हो तकिए जैसी दिख रही है। इट्स एक्चुअली लाइक अ कुशन विच एब्जॉर्ब्स ऑल वाइब्रेशंस एंड मेक्स द पैसेंजर एक्सपीरियंस टोटली वर्ल्ड क्लास, टोटली वर्ल्ड क्लास। नॉइज लेवल एयरक्राफ्ट में जितना नॉइज लेवल है उसका 100th 100 गुना कम नॉइज लेवल है। इट हैज बीन मेजर्ड, एक्चुअल मेजरमेंट्स किए हैं डेसिबल्स में, एक्चुअल मेजरमेंट्स किए हैं, और उसके टेक्निकल पब्लिकेशंस बन रहे हैं अभी। एयरक्राफ्ट से 100 गुना कम, मतलब जब पीएम साहब ने इसको ट्रेन को लॉन्च किया था गांधीनगर से मुंबई के बीच में, तो जैसे कोई भी टेक्नीशियंस और जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वी नोटिस्ड खड़े हैं फोटो खिंचवा रहे, तो जैसा ये स्टेज पे कंफर्ट है, जमीन पे कंफर्ट है, वैसा कि वैसा कंफर्ट ट्रेन के अंदर था। एक बार भी किसी ने ऊपर वो मतलब हिलने डुलने के चक्कर में, गिरने के चक्कर में वो ऊपर वाला हिस्सा नहीं पकड़ा, ना जमीन, ना कोई सीट को पकड़ा। इमेजिन दैट्स द लेवल ऑफ कंफर्ट इन दिस एंटायर ट्रेन। और इसमें जनरली ये ट्रेन की, ये बोगी की डिजाइन होती है, उसमें इंजीनियर्स कितने यहाँ पे, कोई है इंजीनियर है इंजीनियरिंग से जुड़े हुए? मार्जिन डिजाइन का जो मार्जिन कहते हैं, राइट, 3 मिलीमीटर का मार्जिन होता है ग्लोबली। इसमें हमने डिजाइन किया लेस देन 1 मिलीमीटर। पहले कहा सबने यार पागलपन है, जर्मनी में 3 मिलीमीटर का होता है, आप यहाँ क्यों 1 मिलीमीटर से हमको बोलते हो? लेकिन देखो, अपने को अगर एक्सपोर्ट चीज बनानी है तो इट हैज टू बी बेटर इन क्वालिटी एंड लोअर इन कॉस्ट, तभी जाके एक्सपोर्ट होगा, राइट। उस फिलोसफी के साथ इसको आगे बना रहे हैं, राइट। आई विल कम टू थर्ड पार्ट, सेफ्टी, कवच। अगेन अ वेरी बिग लीप ऑफ फेथ। इंडिया में कोई सेफ्टी से रिलेटेड चीज बोनी नहीं सकती, ऐसा सोचते थे। सेफ्टी है तो जाओ भाई यूरोप से लेके आओ या जापान से लेके आओ। कवच बनाया, अगेन पीएम साहब ने कहा कि डिजाइन इंडिया में होना चाहिए, बनना चाहिए अपने इंजीनियर्स के द्वारा। ही सेट दैट एज अ बेंचमार्क। तो जब पीएम साहब ने बेंचमार्क ही सेट कर दिया, देन एवरीबॉडी स्टूड अप टू दैट चैलेंज, स्टार्टेड क्रिएटिंग थिंग्स। और जब क्रिएट हुआ तब ये बना कवच। ऑटोमेटिकली एक ट्रैक पे अगर दो ट्रेन आमने सामने से आ जाए, ये उनको ऑटोमेटिकली रोक लेता है। इस टेस्टिंग में मैं खुद बैठा था एक ट्रेन में, और दूसरी ट्रेन में बैठे थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। सेम ट्रैक पे दो ट्रेन आ रही है 100 km/h से ज्यादा की स्पीड पे, देखना क्या होता है। जब दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पे आ रही हो तो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स इस वजह से हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। पता ही नहीं होता कि एक ही ट्रैक पे दोनों ट्रेनें हैं और हादसा हो जाता है। तो ट्रेनें खुद ही डिटेक्ट कर लें, एक ऐसा कवच बनाया गया था, उसकी वीडियो पे भी रिएक्शन दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। और इसमें वो उस ट्रेन में ये खुद ही मौजूद थे, और बाकायदा वो ट्रेनें रुक गई थी खुद ही डिटेक्ट करके, कैमरे के थ्रू या सेंसर के थ्रू कुछ इस तरह से किया गया था अपने आप में, वो भी एक कमाल का था। लेकिन मैं एक बात और बताऊँ, सच में मुझे इस वीडियो से पता चला कि वंदे भारत क्या है, वंदे भारत के अंदर क्या फैसिलिटीज़ है, किस लेवल की वो चीज़ है, कितना गर्व से बता रहे थे। मतलब इस वीडियो से मुझे यकीन करें पता चला। और पानी का गिलास रख के दिखाया हुआ था वीडियो में कि ये देखें पानी का गिलास नहीं हिल रहा, पूरी दुनिया को हमने हिला दिया वंदे भारत बना के, पानी का गिलास नहीं हिल रहा। 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी जा रही है और पानी का गिलास अपनी जगह पर ही, मुसलसल अपनी जगह पर ही है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बाकायदा इनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कितना खुश है, कितना एक्साइटेड है और कितना गर्व फील कर रहे हैं। बाकायदा इनके चेहरे से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फील हो रहा है। अच्छा, ऐसा कहाँ होता है कि कोई मिनिस्टर इतनी डिटेल से ब्रीफिंग दे रहा हो अपनी ट्रेनों के, अपनी चीज़ों के बारे में? मतलब मैं बिल्कुल एक अलग दुनिया में रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं एक अलग ही देश में रहता हूँ, एक अलग ही कंट्री में रहता हूँ। वहाँ का सिस्टम, वहाँ का माहौल, यहाँ का माहौल, यहाँ का मतलब हर चीज़ ही डिफरेंट है। ऐसा लग रहा है कि कोई टीचर खड़े हुए हैं और किसी ट्रेनों के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, साइंस के बारे में बता रहे हो, समझा रहे हो, ऐसे होता है, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए। मिनिस्टर्स को क्या पता होता है? मिनिस्टर्स को तो हमारे, मैं आपको सच बताऊं, मिनिस्टर का ये काम ही नहीं होता कि ये कैसे बनी कैसे नहीं बनी। मिनिस्टर तो कहता है तो इंजीनियर्स का काम है, मैं तो मिनिस्टर हूँ, मैंने तो सिर्फ साइन करने हैं, मैंने तो सिर्फ ये करने हैं, मैंने तो एसी वाले ऑफिस में बैठना है।
कि ऐसे मिनिस्टर होते हैं, यकीन करें बस बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। मैं फील कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, बहुत अंतर है कि यार ये मिनिस्टर्स होते हैं कि इस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि हमने ये चीज़ बनाई है एक्सपोर्ट लेवल की, वंदे भारत तो क्या हमने इन फ्यूचर दुनिया को एक्सपोर्ट करो। मोदी जी ने कहा है कि मेड इन इंडिया हो, यहीं से बने, कवच सिस्टम बनाना है तो वो यहीं के इंजीनियर बनाएंगे, यहीं के लोग बनाएंगे। लोगों को सबसे पहले मोटिवेट करना, लोगों को सबसे पहले खुद पे भरोसा दिलवाना कि यार हम कर सकते हैं। जब तक हम अपने आप को, अपने लोगों को डिग्रेड करते रहेंगे, जब तक हम अपने आप को, अपने लोगों को छोटा समझते रहेंगे, गुलाम समझते रहेंगे कि यार यूरोप और अमेरिका ही तरक्की याफ्ता हैं, मतलब सबसे पहले तो ये सोचें कि क्या वो लोग इंसान हैं, हम इंसान नहीं हैं, वो लोग एक तरह की अच्छी बेहतरीन चीज़ बना सकते हैं तो यहाँ के लोग क्यों नहीं बना सकते। तो ये करके दिखा दिया। बस सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि मोदी जी ने फॉर्मूला समझ लिया है, अपने लोगों के सर पर हाथ रखना, अपने लोगों के कंधे पर हाथ रखना, इनको मोटिवेट करना, इनकी हिम्मत अफजाई करना, इनको हौसला देना। बाकी ये लोग भी किसी से कम नहीं है, किसी भी देश के लोग किसी से कम नहीं है। माइंड का गेम होता है, मेंटल तौर पे उन्हें तैयार करना होता है। बहुत खुशी हुई, मैं बिल्कुल दोबारा से कहूँगा कि मुझे आज पता चला वंदे भारत का लेवल क्या है। दोबारा किसी ऑलरेडी के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।